إنها تقتضي قبل كل شيء نفخ الإيمان الجديد والروح الجديدة الوسابة والفكر الإسلامي الجريء السائر في جماهير العالم الإسلامي لا سيما في الشباب ومحاربة مركب النقص في قلوبهم الذي أكلهم وطغى عليهم من أجل التبشير والاستعمار والتعليم والتربية اللذين يتفقان مع روح الغرب وآرائه ووضع نظام تعليمي حر يتفق ومطالب الإسلام ويبنى على حقائقه الخالدة التي لا تتغير ولا تتأثر وأن يقبل كل صالح جديد فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها ويخرج فوجا جديدا جديدا في روحه جديدا في فكرته جديدا في إيمانه فهذا هو الشيء الذي ينقص المجتمع البشري اليوم مع امتلائه من كل جديد وطريف ومن كل نادر وغال ये बात ये चल रही है कि अगर आलम इस्लामी नियत कर लेता है फ़ैज़ा आक़द अल आलम इस्लामी नियतहु अन यतहर्रर, नियत मज़बूत कर ले, अपना अज़्म मुसम्मम कर ले कि उसको आज़ाद होना है, व युन्क़िदा और बचाना है लाखों करोड़ों लोगों को, व युख़ल्लिस अल इंसानियत और इंसानियत को नजात दिलाना है दुश्मनों से और इंसानी गिरोह का हाथ पकड़कर और अमन व सलामती के किनारे और आफाक़ वसीआ में लाना है, तो फिर इसको ज़रूरत है। उसका बयान चल रहा है इन्नहा, यानी इन्नहा दिल अमलियता या इन्नहा दिल नियता, ये काम करने के लिए कि उसको ख़ुद भी ग़ुलामी से आज़ाद होना है और पूरी इंसानियत को बचाना है आलम इस्लामी को, तो अब क्या करना पड़ेगा, समझ रहा हूँ, अब क्या करना पड़ेगा। इक्तज़ा यक्तज़ी माने तकाज़ा करता है, इन्नहा यानी इन्नहा दिल अमलियता, ये काम तकाज़ा करता है, क़ब्ल कुल्ली शैइन, सबसे पहले, तक़्तज़ी क़ब्ल कुल शय, सबसे पहले तकाज़ा करता है ये काम, नफ़्ख़ल ईमान अल जदीदी, के नया ईमान फूंक दिया जाए, नफ़्ख़ यनफ़ुख़ माने फूंकना, नया ईमान फूंका जाए, नई स्पिरिट पैदा की जाए, सबसे पहले क़ब्ल कुल शय, जैसे सबसे पहले हम आपकी खिदमत में हदियाए तशक्कुर पेश करते हैं, तो इन्नना क़ब्ल कुल्ली शैइन नश्कुरुकुम अला क़ुदूमिकुम व तशरीफिकुम लिहाज़िही अलजलसा बिक़ुदूमिकुम अलमैमून, तो क़ब्ल कुल्ली शैइन मतलब सबसे पहले, तक़्तज़ी इस अमल का तकाज़ा है हर चीज़ से पहले, नफ़्ख़ल ईमान अल जदीद, तक़्तज़ी का मफ़ऊल है, ये तकाज़ा करता है नए ईमान को फूंका जाए इस बात का, और रूहिल जदीदतिल वस्साबा, उसी पर आते हैं नफ़्ख़र रूहिल जदीदा, और नई रूह फूंकी जाए, अल वस्साबा मजबूत ताकतवर उछलती हुई कूदती हुई, वैसा भाई ऐसे वो माने उछलना, उछलती हुई कूदती हुई और फड़कती हुई
और दौड़ती हुई रूह दौड़ाई जाए मुर्दा तन में, तो उसमें कहते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर हमें नई रूह फूंकना है, तो कहेंगे नहनु नहताज अन ननफुखा फी जिस्मिल उम्मतिल मुस्लिमा रूह अल ईमान और रूह अल दीन और रूह अल दावतिल इस्लामिया। उम्मत के तने मुर्दा में हमें ईमान की रूह दौड़ाना, ईमान की रूह फूंकना है, तो ये एक ताकतवर जुमला होता है, नफ़खर रूह, रूह फूंकना। अलवसाबा मुबालगे का सीगा है, वसाबा यसीब उसे वसाब, नशीद और उछलती हुई और रूह कूदती हुई रूह फूंकी जाए। वलफ़िक्र इस्लामी गिलजर, सब उसी पर आत है, और उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िक्र पैदा की जाए, रूह फूंकी जाए, और अब ये भी उसी पर आत है यानी फ़िक्र पैदा की जाए। नफ़खल फ़िक्र इस्लामी, सब ये मजरूरात हैं। ये क्यों मजरूरात हैं? क्योंकि मजरूर पर अत्फ हैं। पहला मजरूर कौन सा है? अल ईमानी जदीद, तो नफ़खल ईमानी जदीद है ना, ईमानी रूह फूंकी जाए, अब उसी पर अत्फ चला रहेगा, मजरूर होते नहीं। ये सब चीज़ें पैदा करें, फूंकी जाएगा मतलब उसको पैदा किया जाए। वल फ़िक्र इस्लामी जरी इस्साइरी, और इस्लामी फ़िक्र पैदा की जाए जुरतमंद, अलजरी जुरतमंद, असाइर इनकलाबी, इनकलाबी जुरतमंद रूह और फ़िक्र पैदा की जाए इस्लामी, साइर कहते हैं इनकलाबी को। नहनो नहताज इला शबाब इन साइर, हमें इनकलाबी नौजवानों की ज़रूरत है। क्या अरबी आई? अशबाब साइर जरी। यजिब अलैना अन नकूना जुराआ साइरीना, जुरतमंद इनकलाबी फ़िक्र पैदा की जाए। फ़ी जमाहिर आलमिल इस्लामी, आलम इस्लामी के आवाम में, जुमहूर की जमा जमाहिर, आलम इस्लामी की पब्लिक में ईमानी फ़िक्र पैदा की जाए इनकलाबी। लासीयमा फ़ी शबाब, ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर ये फ़िक्र पैदा की जाए, इनकलाबी फ़िक्र। वो मुहारबता मुरक्कब नक्स, अब मुहारबता क्यों पढ़ रहे हैं? तख्तजी से ताल्लुक़ नफ़ा पर अत्फ कर दिया, अब किस पर? नफ़ा पर, अब ईमान पर अत्फ नहीं है, नफ़ा पर अत्फ है। तख्तजी नफ़ा ईमान व तख्तजी मुहारबता मुरक्कब नक्स, समझ रहा है जी। और इस अमल को ज़रूरत है मुकाबला किया जाए एहसास कम तरीका, मुरक्कबुन्नक्स माने एहसास कम तरी, कि उनके दिलों के अंदर यानी नौजवानों और मुसलमानों के दिलों में जो एहसास कम तरी पाया जाता है, उस एहसास कम तरी का क्या किया जाए? मुकाबला किया जाए, ये तकाज़ा है, यानी इसकी ज़रूरत है। तकाज़ा है का मतलब इसकी ज़रूरत है, कि मुहारबा किया जाए मतलब मुकाबला किया जाए, किस चीज़ का? एहसास कमतरी का जो उनके दिलों में है। और एहसास कमतरी का मुकाबला करने का मतलब उसको हटा देना, उसको हरा देना, कि वो एहसास कमतरी ख़त्म होकर के क्या आएगा, एहसास कमतरी की जगह पर क्या आएगा? एतिमाद आएगा, इस्लाम पर एतिमाद। एहसास कमतरी के मुकाबले में अस्सिका, अस्सिका तो बिल इस्लाम, ऐसा से कमतरी ये है कि यार हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग तो कमज़ोर हैं, ये यूरोप ताकतवर है, हमारे पास तो ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्या है? ऐसा से कमतरी। तो ऐसा एतमाद ये है कि हमारा इस्लाम भी हमको आमादा करता है कि हम भी दुनिया को दें, दुनिया प्यासी है, दुनिया जाँ बलब है, हमारे पास इक्सीर हयात है, हमें दुनिया को बचाना है, ये क्या है? एतिमाद। तो एहसास कमतरी वो पहले वाली बात है, यार हम तो मुसलमान हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, एहसास कमतरी। और
एतमाद इस्लाम पर एतमाद ये है कि दुनिया जाँ बलब है और वो जाकनी के आलम में है और अमृत हमारे पास है, उसके दो बूंद हमें सब लोगों को पिलाना है ताकि उनके अंदर क्या पैदा हो जाए, ज़िंदगी पैदा हो, ये एतमाद है। मुहारबत मुरक्कब नक्स फी कुलूबिहिम, जो मुसलमानों के दिलों में एहसास कमतरी है उससे मुकाबला करना है। मुरक्कब नक्स कहते हैं एहसास कमतरी को, और हमारा ख्याल ये है कि अशुऊर भी मुरक्कब नक्स होना चाहिए, अशुऊर इसमें अशुऊर भी बढ़ाना चाहिए, तब एहसास कमतरी के मायनों में। मुहारबत अशुऊर भी मुरक्कब नक्स, एहसास कमतरी का क्या किया जाए, मुकाबला किया जाए जो मुसलमानों के दिलों में है। अल्लज़ी अकलहुम, इस एहसास कमतरी ने उनको खोखला कर दिया है। अकलहुम का मतलब खा लिया है, मतलब जैसे दीमक खा लेती है ना, जिसने उनको खोखला कर दिया। वो तगा अलैहिम, और जिसने उन पर ज़्यादती और दस्तराजी की है, तुगयान यानी सरकशी की है, मिन अजली तबशीर वल इस्तेमार, ईसाई मिशनरी की वजह से और साम्राज्य की वजह से, तबशीर माने ईसाई मिशनरी, ईसाई लोगों ने मिशनरी ने काम किया तो उसकी वजह से मुसलमानों के दिलों में क्या पैदा हो गया, बोलो ना, एहसास कमतरी। मिन अजले का ताल्लुक किससे है, मुरक्कबुन नक्स से। और मुरक्कबुन नक्स क्यों पाया जा रहा है, ईसाई मिशनरियों की वजह से। मिशनरी जानते हो, मिशनरी मतलब उनकी जो जमातें निकलती हैं, किनकी, ईसाइयों की, मुबल्लिगीन की जमात, ईसाई दाइयों की जमात, उसको कहते हैं मिशनरी, ईसाई दावत को कहते हैं मिशनरी, समझ गए। वो लोग दावत का बहुत काम करते हैं, यहूदी और ईसाइयों में यही फ़र्क है, यहूदी लोगों के यहाँ दावत नहीं है, ईसाई लोगों के यहाँ दावत है। तबशीर का मायने यानी बिशारत देना, वो लोग यही कहते हैं तुम लोग ईसाई बन जाओ बस, तुम्हारा बेड़ा पार, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम ने सूली चढ़ के सबका क्या अदा कर दिया है, कफ़ारा, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मुबशिरीन कहते हैं, क्योंकि वो खुशी खुशखबरी दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, खुशखबरी, उसी का मजदर क्या है, तबशीर, समझा कि नहीं समझा। तबशीर के मायने ईसाई मिशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका काम ये वो करीब करते हैं, लुभाते हैं और वो खुशखबरी देते हैं कि तुम आ जाओगे ना, ईसाई बन जाओगे बस, तुम जन्नत में चले जाओगे, जन्नत का टिकट बांट गए हज़रत ईसा अलैहि सलाम। उनका तो पूरा अकीदा सब गलत है कि वो बेटे, अल्लाह के बेटे बन के सबको जन्नत बांट गए अपने मुत्तबीन को, है ना, कौन कहते हैं, ईसाई, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मुबशिरीन, मजदर उसका क्या है, तबशीर। ईसाई दावत की वजह से वल इस्तेमार और साम्राज्य की वजह से, साम्राज्य मतलब बरतानिया और ये फ्रांस के लोगों को कहते हैं साम्राज्य, साम्राज्य का मतलब होता है दूसरों के मुल्कों पर क्या कर लेना, कब्ज़ा कर लेना, ये लोग कब्ज़ा करते हैं, मिस्र पर कब्ज़ा किया नेपोलियन ने और जजायर रूस सब ने कब्ज़ा करके अपनी फिक्र फैला दी वहाँ, तो मुसलमान किस में मुब्तला हो गए, एहसास कमतरी में, मुसलमानों के मुल्कों गज़वे फिक्री किया उन्होंने, मतलब अपनी फिक्र उनको पहुँचाई, पहले तो वो अपने वो जंग से कब्ज़ा किया बाकायदा, फिर जब वो निकल गए, जिला वतन हो गए, तो गज़वे फिक्री कर रहे हैं अब, फिक्री तौर पर मतलब हमला कर रहे हैं। तो ईसाई मिशनरी और साम्राज्य की वजह से जो एहसास कमतरी मुसलमानों में पैदा हो गया है, उस एहसास कमतरी का क्या करने की ज़रूरत है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। व तालीम व तरबिया मिन अजली तबशीर वल इस्तेमार व मिन अजली तालीम व तरबिया, और मगरबी तालीम व तरबियत के नतीजे में जो पैदा हो गया है क्या, एहसास कमतरी। तालीम तरबियत से मुराद है मगरबी तालीम व तरबियत, ये मुसलमान लोग वहाँ जाते थे, जाते हैं बल्कि ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वहाँ जाकर के मुतासर हो जाते हैं उनकी तालीम व तरबियत से, फिर यहाँ आके वही फिक्रा फैला देते हैं मुसलमानों में कि अपने पास तो कुछ नहीं है, वो लोग तो बड़ा इल्म रखते हैं यूरोप वाले, तो ये तालीम व तरबियत उनकी यूरोप के मराकज़ में, और वो तालीम व तरबियत ने पैदा कर दिया है एहसास कमतरी। अल्लज़ैन यत्तफ़िक़ान, जो तालीम व तरबियत का अंदाज़ मुत्तफ़िक़ है, मा रूहिल ग़र्ब,
یورپ کی روح سے و آرائہی اور یورپ کے خیالات سے، مطلب یورپین، یورپین تعلیم و تربیت، جو تعلیم و تربیت متفق ہے مع روح الغرب، مغرب کی روح سے اور و آرائہی، مغرب کی آرا اور مغرب کے افکار سے جو تعلیم و تربیت متاثر ہے، جس کی تشریح بھی کی نا میں نے، ووضع نظام تعلیمی، وضع پڑھ کے میں کیا بتا رہا ہوں، وضع کس پر عطف کر رہا ہوں، نفخہ پر، تقتضی نفخ الروح، روح پھونکنے کی ضرورت ہے، محاربت مرکب النقص، احساس کمتری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ووضع اور ایسا نظام تعلیم بنانے کی ضرورت ہے اپنے دیش میں، اپنے اسلامی ممالک میں، وضع مطلب بنانا، اختیار کرنا، وضع کرنا، وضع کرنا مطلب اپنانا، ان کا تعلیمی نظام رد کر دیں، کن کا، یورپ کا، اور پھر اپنا اسلامی بنائیں، ویسٹ کا رد کریں، ایسٹ کا الگ بنائیں، سمجھ گئے نا، ایسٹ مانے مشرق، مشرق میں یہ سب آتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، عرب، مصر، یہ سب کیا ہے، ایسٹ ہے، اور ویسٹ میں کیا، یورپ ہے، انگلستان ہے، برطانیہ، لندن، یہ سب کیا ہے، یورپ، یہ ویسٹ ہے. تو وضع نظام تعلیمی حر، اور تقاضا ہے اور ضرورت ہے کہ ایک نیا تعلیمی نظام وضع کیا جائے، حر آزاد، یتفق مطالب الاسلام، بتاؤ وہ کون سا ہے، ہم نے پڑھ کے بھی بتا دیا، وہ کون سا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ کس معنی میں آتا ہے، ما کے معنی میں، واو کس معنی میں، ما کے معنی میں آتا ہے، تو یہ آگے والا منصوب ہوگا، کیا بنائیں گے اس کو، مفعول معہو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مفعول معہو، مفعول معہو، واو حالیہ نہیں، غلط کہا ہے جس نے واو حالیہ کہا ہے، واو حالیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، واو معیت، کس کے معنی میں ہے، معا کے معنی میں، اس کے بعد والا لفظ کیا بنے گا، مفعول معہو بنے گا، وہ منصوب ہوگا، کیا ہوگا، منصوب ہوگا، کیوں منصوب ہوگا، پانچ قسم ہے مفعول کی، کس کی، جو اب کون سا قسم آئے گا، واو کے بعد، واو معا والے کے بعد، مفعول معہو آئے گا، یعنی واو کو کس معنی میں لوگے، ما کے معنی میں، تو اب ترجمہ کیسے ہوگا، ایسا نظام تعلیم وضع کیا جائے آزاد، یتفق جو متفق ہو اسلامی مقاصد کے ساتھ، اسلامی مقاصد سے کیا کھاتا ہو، وہ میل کھاتا ہو، سمجھا، مفعول معہو کی مثال کوئی پیش کر دے، ایک آدمی ایک اور کوئی جملہ بنا دے ایسے ہی مفعول معہو کا، وہ رٹا رٹا ہے، نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی لاؤ، جال برد و تیال ایسا کے علاوہ اور کوئی مل نہیں رہا ہے کیا، یہ بھی رٹا ہوا ہے، یہ بھی رٹا ہوا ہے، رٹا ہوا کے علاوہ نہیں چاہیے، کتاب کا نہیں چاہیے، اپنا نیا بناؤ، سرت و ظلامہ جال برد و تیال ایسا تھا، یہ تو رٹا ہوا ہے نا، رٹا، وہ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ بس یہی زندگی بھر تک چلاتے رہنا، مثال مثال کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ سو مثالیں ملیں گی نا، ایک مثال دو، اننی تعلمت والقلم، تو میں نے علم حاصل کیا قلم کے ساتھ، تو قلم کے ساتھ تھوڑی، قلم کے ذریعے کرتا، ماں سیٹ نہیں ہو رہا ہے، قجال اسلام والحضارتا، یہ بنایا اس نے، جال اسلام والحضارتا، یعنی اسلام آیا تہذیب کے ساتھ، یہ ان کا جملہ ہے جو کسی کتاب کا نہیں ہے، اور اتنا آسان ہے، لیکن بس یہ ہے کہ سلیقے کی بات ہونا چاہیے، جال اسلام والحضارتا، یعنی جال اسلام مال حضارت، اسلام آیا کس کے ساتھ، تہذیب و تمدن کے ساتھ آیا، یہ سیدھا سا جملہ ہو گیا، پورا جملہ ہو گیا، مفعول معہو بناؤ نا، وہ اسفر نہ ہو تو نہار ہو تو اسفرا کا فائل ہو گیا، ہمیں مفعول معہو چاہیے، طلعت الشمس والنورا، یعنی سورج طلوع ہو گیا کس کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، مع النوری، طلعت الشمس والنورا، تو یہ ہے مفعول
माहू यानी तलाती शम्सो मान नूरी, सूरज तुल हुआ किसके साथ, रोशनी के साथ, समझ गया। जा तुल्लाबु व किताबहुम, ठीक है, तलबा आ गए अपनी किताबों के साथ, ठीक है। जा तुल्लाबा वल, जा तुल्लाबु वल कुतुबा, यानी जा तुल्लाबु माल कुतुबी, अपनी किताबों के साथ आ गए, सीधा कहीं भी बना दो कुछ भी। ऐसा ना किया करो कि एक ही मिसाल रखे रहो, हर चीज़ की वही मिसाल दोगे जो पढ़ ली है, नहीं, कम से कम हर कायदे की 10-10 मिसालें अपनी तरफ से बनाओ, अगर नहु सर्फ सीखना है तो अपनी तरफ से। ज़रब ज़ैदुन अमरन के अलावा 10 मिसालें अलग से लाओ, है ना जी, समझा, दूसरी आती ही नहीं है जहन में, वही तो गलत है। 10 मिसालें कम से कम हर कायदे की अलग अलग बनाओ, तब आएगी। तो ऐसा निज़ाम तालीम यत्तफ़िक़ु व मतालिब इस्लामी, जो कि मुत्तफ़िक हो किससे, इस्लामी मकासिद से। व युबना, उसी पर यत्तफ़िक़ु पर अदफ़ है, ऐसा निज़ाम तालीम जो मबनी हो अला हक़ाइक़िल खालिदा, ऐसा निज़ाम तालीम वज़ा करें हम जो इस्लामी हक़ाइक़ पर क्या हो, मबनी हो, मबनी जानते हो ना, उस पर बनाया गया हो, किस पर, इस्लामी हकायक पर उसकी बुनियाद रखी गई हो, उस निज़ाम तालीम की, अलखालिदा, जो इस्लामी हकायक के जिंदा हो जावेद हैं, उन पर उसकी बिना हो, किसकी बिना हो, निज़ाम तालीम की, निज़ाम तालीम जो मेल खाते हो इस्लामी अफकार से और जो मबनी हो इस्लामी हकायक पर, समझा। अल्लती ला ततगैरु, जो इस्लामी हकाइक तब्दील होने वाले नहीं हैं, वला ततअसरु, और जो मुतासिर होने वाले नहीं हैं। व इन यक़बला, या युक़बला भी पढ़ सकते हो आप, कि इन युक़बला, वो उसी पर अत हो रहा है, किस पर बोलो, नफ़खा पर। तो अब एक सवाल हम आपसे करें कि नफ़खा पर तो मज़दर पर अत हुआ, अब इन युक़बला तो पेटेंट बदल गया, तो कैसे ये जुड़ा, कौन बताएगा। अन मजदरिया है तो ये भी क्या बन गया, मजदर बन गया, नफ़खा मजदर था तो अन यक़बला, तो अब ये किस तावील में हो गया, नहीं है कबूला, अन युक़बला किस तालीम में हो गया, कबूला, तकाजा है कि कबूल किया जाए, कुल सालिहिन जदीदिन, हर नई चीज़ को जो अच्छी हो उसको हम कबूल कर लें, मगरिब की वो चीज़ें कबूल कर लें जो फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जो अकीदे वाली हैं उनको क्या कर दें, मुस्तरद कर दें, उसी को कहते हैं अलजमो बैन अलकदीम सालह वल जदीदिन नाफ़े, जदीद में से वो कबूल करें जो क्या हो, नाफ़े हो, नाफ़े हो। तो सालह भी चल जाएगा, वैसे जदीद में साले का मतलब ये नहीं जिसमें वो चीज़ें नहीं हैं, उनकी बदमाशी खबासत नहीं है मुराद, वो है वो नई चीज़ें कबूल की जाएं जिनमें उनकी क्या नहीं है, खबासतें नहीं हैं। फल हिकमत उदालतुल मोमिन, क्योंकि हिकमत की बातें कबूल करना चाहिए, हिकमत मोमिन का क्या है, गुमशुदा माल है। हैसुमा वजदहा, जहाँ भी वो मिल जाए, फवहक़ु बिहा, तो मुसलमान उसका ज़्यादा हकदार है। हदीस को नहीं मानना चाहिए क्योंकि हदीस साबित नहीं है इस लफ्ज़ से, बस एक समझो हिकमत की बात है, ये हदीस के तौर पर पेश की जाती है लेकिन वो साबित नहीं है, यानी ज़ईब तरुक से है, लेकिन बात सही है। तो यूं मत कहो बस कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यूं कहो कि हमारा तो उसूल ये है, अलहिकमत दालतुल मोमिन, हमने हम ही ने बना लिया, क्योंकि कुरान और हदीस से पता चल रहा है कि हमें हर अच्छी बात क्या कर लेना है, कबूल कर लेना है। तो किसी ख़ास नत से नहीं, पूरे कुरान और हदीस का निचोड़ है ये, तो ये ना बताओ कि ये हुजूर ने फरमाया, क्योंकि तो हमारा उसूल है अलहिकमत दालतुल मोमिन, कि हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहाँ भी मिल जाए फवाहक़ु बिहा, वो उसका क्या है, हकदार है। कौन हकदार है, मोमिन, किस चीज़ का हकदार है, हैं, हिकमत का, क्योंकि वो उसी का माल था जो मिल गया, गुम हो गया था
वो मिल गया, यूरोप में मिल रहा है तो सोचे अरे इनके पास कहाँ से आ गई ये हिकमत, ये तो हमारी थी यहाँ आ गई, चलो फट से ले लो, अरे तुम लोग ये मेरी चीज़ है, जैसे कहता मेरा पेन है ला फट से, ऐसे ही यूरोप के पास मिली हिकमत तो कहे तो मेरी चीज़ थी तुमको कहाँ से आ गई, ये मतलब है गुमशुदा माल का मतलब हमारी चीज़ ले ली तुमने, हम ले लेंगे वापस, समझ गया इसका मतलब जो हाइसुमा वजादा फहुआ आपको बेहा, गुमशुदा माल है मतलब हमें मिल गया तो खुशी से ले लेंगे ना, अरे ये तो मेरी चीज़ थी, चलो ले लो ले लेते हैं, मिल गई माशाल्लाह। और युखर्रिजा फौजन जदीदन, और ज़रूरत है इस बात की कि आलम इस्लामी नई फौज पैदा करें, नई फौज क्या करें पैदा करें, खर्रजा में क्या मायने कौन बताएगा, है असल फारिग नहीं, असल तरबियत के मायने, तखर्रजा भी जो आता है ना असल फारिग होने के मायने में नहीं आते, तरबियत पाना, और युखर्रे जो माने तरबियत देना, तरबियत देकर हम एक नई फौज निकालें, तखर्रजा जो कहते हैं ना फुला मदरसे से तखर्रुज हुआ, लोग समझते हैं वहाँ से निकल गए खराजा से बनाए, नहीं नहीं निकलना नहीं, तरबियत पाना, हमने नहनु तखर्रज नफी नदवतिल उलमा मिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये उस मायने में नहीं नदवे से निकले मतलब वहाँ से निकल गए, तखर्रज नफी नदवतिल उलमा तरबियत पाइए कहाँ नदवे में, इसलिए उसका सिला क्या आता है फी आता है, मिन गलत लगाते हैं लोग, तखर्रजा का सिला क्या लगाना चाहिए फी, क्योंकि ये निकलने के मायने में नहीं है, फारिग तहसील होने के मायने में नहीं, क्या फारिग होकर चले जा रहे हैं यहाँ से भाग जा रहे हैं, खर्रजा मतलब इखराज हो गया अब यहाँ से भाग गए नहीं, तखर्रजा मायने में किस मायने, यहाँ पढ़ा है यहाँ क्या पाई है तरबियत पाई है, और खर्रजा मैंने क्या दी है तरबियत दी है, आलमी इस्लामी तरबियत दे फौजन जदीदन नई फौज की, नई फौज पैदा करे तरबियत देकर, जदीदन फी रूही ही जो अपनी रूह में क्या हो नई हो, जदीदन फी फिक्रती अपनी फिक्रा में जो क्या हो नई हो, जदीदन की ईमानी ऐसी फौज मतलब ऐसे तलबा ऐसा नौजवान पैदा करें जो अपने ईमान में क्या हो नया हो, हादा हुआ शय यही वो चीज़ है الذي ينقص المجتمع البشري اليوم جو کہ آج کی سوسائٹی کے اندر کمی ہے ينقص المجتمع اسی چیز کی کیا ہے کمی ہے کس کے اندر آج کی سوسائٹی میں ينقص المجتمع مطلب آج کی سوسائٹی میں اس کی کمی ہے سمجھ گئے جیسے کہیں گے ينقصنا الالتزام بالوقت ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے وقت کی پابندی کی کمی ہے تو کہیں گے ينقصنا الالتزام بالوقت اسی چیز کی کمی ہے انسانی سوسائٹی میں آج مع امتلائه حالانکہ یہ انسانی سوسائٹی بھری ہوئی ہے ہر نئی چیز میں و طریف اور ہر انوکھی چیز سے بھری ہوئی ہے ومن کل نادر ہر نادر اور عجیب و غریب چیز سے وغال اور ہر مہنگی چیز سے بھری ہوئی ہے دنیا لیکن دنیا کو ضرورت ہے تو کیا ایمان کی اور نئی فکر کی ضرورت ہے اسلامی فکر کی ضرورت ہے سمجھ رہے ہیں امتلا ہی مطلب بھری ہوئی ہے کون بھری ہوئی ہے مجتمع بشری مطلب انسانی سوسائٹی ہر انوکھی چیز سے نئی چیز سے غالی اور نادر چیزوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ضرورت تو کس کی ہے ينقص الایمان ينقص الدین کس چیز کی ضرورت ہے ایمان اور دین کی ضرورت سمجھ گیا